अरे यार, आज तो मैं उठने में भी काफी ज्यादा लेट हो गया। और यार अब देखो, दोपहर का 1 बज रहा है। अरे 1 मिनट यार, आज तो मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। और यार मैं पेरेंट्स मीटिंग में गया ही नहीं यार, अब क्या होगा। 1 मिनट यार, सुपर हीरो तो पेरेंट्स मीटिंग में गया था, बट 1 मिनट यार, टाइम देखता हूँ अभी टाइम क्या हो रहा है। फटाफट से फोन निकालता हूँ। अभी तो यार 1:51 हो रही है और सुपर हीरो अभी तक स्कूल से नहीं आया। अरे यार, ऐसा क्या हो गया कि सुपर हीरो अभी तक स्कूल से नहीं आया, हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, नीचे देख के आता हूँ, क्या मालूम यार सुपर हीरो नीचे आ गया हो और मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा हो अभी तक। एक काम करता हूँ, फटाफट से नीचे चलता हूँ और नीचे देख के आता हूँ कि अभी तक सुपर हीरो आया है या फिर नहीं। 1 मिनट यार, वैसे सुपर हीरो अभी तक आ तो गया होगा, लेकिन अगर आता तो मेरे को आवाज देता। ब्रा, अरे ये विलन क्या कर रहा है। हाँ? अरे विलन यार, सुपर हीरो अभी तक स्कूल से आया है या फिर नहीं। अरे टिप्सन यार, मुझे नहीं पता सुपर हीरो के बारे में कि अभी तक वो स्कूल से आया है या फिर नहीं। मैं तो यार सुबह से ही यहाँ पर अपने घर की घास साफ करने के लिए लगा हुआ हूँ, काफी ज्यादा थक चुका हूँ। रो फिर से मालूम कर यार, अभी तक वो आया है या फिर नहीं। अरे रो फिर से तो यार मैं बाद में मालूम करूंगा, पहले तू मुझे बता, सुबह से तू यहाँ पर घास खोद रहा है क्या, अभी तक सुपर हीरो को तूने घर में आते हुए नहीं देखा। अरे नहीं नहीं यार टिप्सन, मैंने तो उसको अभी तक नहीं देखा। अभी तक भी सुपर हीरो स्कूल से वापस नहीं आया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है आज उसके साथ। अरे विलन यार, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, फटाफट से जाके रो फिरो को उठाता हूँ। आखिर यार सुपर हीरो अभी तक स्कूल से वापस क्यों नहीं आया। रो फिरो, अरे रो फिरो, अरे यार ये तो बहुत ही गहरी नींद सोता है। रो फिरो, फटाफट से उठ यार। अरे लगता है रो फिर ऐसे नहीं उठेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, फटाफट से इसको नीचे गिराता हूँ तेरी ऐसी की। अरे अरे कौन है, 1 मिनट। अरे टिप्सन यार, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, मेरे को नीचे क्यों गिरा रहा है। अबे रो फिर यार, तुझे नीचे नहीं गिराऊं तो फिर क्या करूं, इतनी देर से मैं तेरे को आवाज दे रहा था, तू सुन ही कहां रहा है। अरे टिप्सन यार, वो क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था तो शायद इसीलिए मेरे को सुनाई नहीं दिया होगा। बता फटाफट से क्या कह रहा है। अरे यार रो फिर, मैं तो बस ये कह रहा था कि सुपर हीरो ना आज सुबह से स्कूल में गया हुआ है, क्योंकि आज ना स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, लेकिन यार अभी तक भी जो है ना वो स्कूल से वापस नहीं आया यार। रो फिरो, क्या सुपर हीरो अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया, कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। अरे यार रो फिरो, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन यार मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रो फिरो यार, फटाफट से जा तू यार उसके स्कूल में। अरे यार पेरेंट्स मीटिंग तो मॉर्निंग में रहती है, लेकिन यार सुपर हीरो अभी तक वापस क्यों नहीं आया, कहीं सच में उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। 1 मिनट यार, मैं फटाफट से जाता हूँ और सीधा जो है ना सुपर हीरो के स्कूल में जाता हूँ। आखिर देख के आता हूँ कि सुपर हीरो यार अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अब तो यार 2 बज चुके हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तक भी सुपर हीरो वापस नहीं आया। मेरे को तो यार बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं यार सुपर हीरो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। चलो अब तो मैं जा ही रहा हूँ और जाके देखता हूँ यार आखिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। 1 मिनट 1 मिनट यार, फटाफट से चलता हूँ मैं। और यार मेरे को काफी ज्यादा स्पीड में कार लेके जानी पड़ेगी, कहीं यार सुपर हीरो के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 1 मिनट मैं और ज्यादा स्पीड में चलाता हूँ, बट वेट यार, ये तो पूरा रास्ता बंद कर रखा है, पता नहीं यार यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर इस रोड पे, और यार ये रास्ता पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। 1 मिनट फटाफट से इनके ऊपर चढ़ के देखूँ क्या, बट यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर तो यार कोई काम वगैरह भी नहीं चल रहा रोड पर, फिर यार ये रोड यहाँ पर क्यों बंद कर रखी है, और वो भी इतने बड़े बड़े पत्थरों से। 1 मिनट यार, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ ऊपर चढ़ के देखता हूँ आखिर यहाँ चल क्या रहा। अरे अरे 1 मिनट, अरे इतने सारे आदमी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरे को तो सच में गाइस यार ये गुंडे लग रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इतने सारे आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कर क्या रहे हैं। 1 मिनट यार इनसे ही मालूम करता हूँ, अरे तुमने ये इतने बड़े बड़े पत्थर इस रोड पे लगा के ये रोड क्यों बंद कर रखा है। हमें पब्लिक को परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसीलिए तो हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, और फिर इसीलिए हमने इस रोड पर ये इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं, ताकि पब्लिक को परेशानी हो और हम देख कर हंसे। अरे ये काम तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, अपने मजे के लिए तुम पब्लिक को परेशान कर रहे हो। अगर तुम आज पब्लिक को परेशान करोगे अपने मजे के लिए, तो कल तुम्हारे लिए भी कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। अरे आखिर ये मेरे चमचे रो फिर को भड़का क्यों नहीं रहे हैं, मेरा ये जाल काम नहीं कर रहा क्या, और भड़काओ इसे और तभी तो ये तुमसे फाइट करेगा। अच्छा तो तू अब हमें सिखाएगा कि हमारी परेशानी भी खड़ी हो सकती है, मारो सब मारो इसको मिलके। अरे यार गाइस, मैं तो इनको समझाने की बात कर रहा था और ये तो मेरे को मारने के लिए चल रहे हैं। 1 मिनट अब मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओ माय गॉड, बच गया गाइस, अभी नीचे गिर जाता तेरी ऐसी की तैसी। निकल, अभी मर नहीं रहा है, एक और मारता हूं। ये ले, अभी इसको भी बताता हूं, अभी ये ले एक और मारता हूं, ये ले अब ठीक है, आया ये ले
अरे गाइस यार, इतनी जोर जोर से मैं इनके गुत मार रहा हूँ और एक के तो मैंने रैपिड भी मार दिया, लेकिन इनके कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो नीचे भी नहीं गिर रहे, अभी मारता हूँ। ये ले, अब तू ले, ये ले। गाइस यार देखो, इनको कितनी जोर जोर से मैं मुक्का मार रहा हूँ, अभी मेरे पीछे आ रहा है। इसको एक काम करता हूँ, साइड में ले जाके और आराम के साथ मारता हूँ। आ जा बेटे, तुझे मैं बताऊंगा, इधर आ तू, एक साइड में आ, और जब ये एक साइड में आएगा ना, तब मैं इसको बताऊंगा। हाँ ये गाइस, ये ठीक है, और अब बताता हूँ इसको। ये ले, तेरी ऐसी की तैसी, ये नहीं जानते। अरे फिर क्या है, अब बताता हूँ इसको। अबे तेरी ऐसी की तैसी, ओ माय गॉड, इन्होंने मेरे को गिरा दिया। फटाफट से खड़ा होता हूँ और अब बताता हूँ मैं इनको। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है और मेरे हाथ में एक चाकू है। ये ले गाइस यार देखो, अब बताता हूँ मैं इनको। अब तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको यहीं पे मार दूंगा। आखिर ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि आज इन्होंने किससे पंगा लिया है। रो फिरो से पंगा लेके आज इन्होंने बहुत गलत कर दिया। अब तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तेरी ऐसी के तैसी। और दो और रह गए हैं, बस इनको और मारता हूँ। ये लो गाइस, अभी देखो, सच में यार बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इनको मारते मारते। वैसे मजा आ गया यार, बहुत दिनों से मैंने किसी की पिटाई भी नहीं की थी, आज तो मजा ही आ गया इनको मार के। एक मिनट, इनका बॉस भी इधर खड़ा था, उसको भी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इन सबको तो मैंने मार दिया, अब इनके बॉस को देखता हूँ, इनका बॉस किधर गया। अरे एक मिनट, बॉस तो इनका इधर ही खड़ा था, लेकिन बॉस कहाँ भाग गया। अरे यार लगता है वो डर के मेरे से भाग चुका है। लेकिन अब ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको मैं यहाँ से कैसे हटाऊं। रोप हीरो तो वहाँ पर उन गुंडों के साथ उलझ गया है, लेकिन अब मैं इसके घर में देखती हूँ कौन कौन है। हाँ, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी नहीं। अरे लेकिन छुप छुप के जाना पड़ेगा, कहीं मेरे को इसके कुत्ते ने देख लिया तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। हाँ, जल्दी से छिप छिप के जाती हूँ और देखती हूँ आखिर इसके घर घर में कौन कौन है। अगर टिप्सन खा लिया हुआ तो उसके नहीं छोड़ूंगी। अरे ये तो विलन यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन विलन को अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे तो टिप्सन कालिया को देखना है। अरे बाप रे, विलन पीछे को मत देखना। जल्दी से जाती हूँ। अरे अरे बच गई बच गई, विलन ने मेरे को नहीं देखा। अब जल्दी से जाती हूँ और देख के आती हूँ आखिर ये टिप्सन कालिया कहाँ पे है। आज ही तो मेरे को मौका मिला है इस टिप्सन कालिया को मारने का। हाँ, क्योंकि रोफिरो भी आज घर पे नहीं है। हाँ, ये तो मैंने बहुत अच्छा जाल बिछाया था रोफिरो को उलझाने का। मेरे गुंडों ने उस रोफिरो को अपने हिले में लगा लिया और मेरे को मौका मिल गया टिप्सन कालिया को मारने का। अरे लेकिन ये टिप्सन कालिया किधर है, इधर से तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। वाह टिप्सन कालिया, अब तो तू दिख चुका है। अब नहीं छोड़ूंगी तुझे। अब देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा। अब तू खाना बना रहा है, लेकिन कुछ देर में तू मेरा खाना बनने वाला है। आखिर टिप्सन कालिया आज तुझे कौन बचाएगा। आज तो मजा ही आ जाएगा। ये ले, उठने की कोशिश बिल्कुल मत कर, क्योंकि आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। टिप्सन कालिया की तो बैंड बच चुकी है। अब एक काम करती हूँ, चुपके चुपके से जाती हूँ और सीधा विलन को भी मार ही देती हूँ। अगर विलन ने मुझे निकलते हुए देख लिया तो वो मेरे को मार देगा। इससे पहले कि विलन मेरे को देखे, मैं विलन को भी मार ही डालती हूँ। अभी रुक जा विलन, तेरी हेल्प मैं करूँगी। अरे कौन है, अरे ग्रेनी, ग्रेनी तू यहाँ पर भी आ गया। अरे अरे ग्रेनी छोड़ दे, अरे अरे ग्रेनी तुम मुझे क्यों मार रही है। क्योंकि आज मेरे शाम का खाना नहीं है। विलन के बच्चे, तुझे मारूंगी तो एक महीने का काम हो जाएगा। अब देखती हूँ तुम दोनों को कौन बचाएगा। रो फिर अभी आज यहाँ पे नहीं है। अब आया ना मजा, दोनों के दोनों मर चुके हैं। अब जल्दी से भाग जाती हूँ, वरना रो फिर आ गया तो काम बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। और फिर मुझे बहुत ज्यादा मारेगा। अब तो किसी को भी नहीं पता कि आखिर टिप्सन को और विलन को किसने मारा है। और फिर आके देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। मैंने सब जगह पर इनके बॉस को ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी मेरे को इनका बॉस नहीं मिला। एक मिनट यार, अब इस पत्थर को ही कुछ करता हूँ। एक मिनट,
अरे यार ये तो टूट भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन और ज्यादा कोशिश करता हूँ। और 1, 2 और 3 गाइस यार देखो अभी जो ना फाइनली मैंने इस पत्थर को यहाँ पे हटा दिया है और अब मैं फटाफट से अपनी कार को स्टार्ट करता हूँ। और यार मेरे को सुपर हीरो के स्कूल में भी जाना है। एक मिनट यार, फटाफट से मैं सुपर हीरो के स्कूल पे चलता हूँ और आपको जो ना सुपर हीरो के स्कूल पर ही जाके मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं सुपर हीरो के स्कूल पे तो आ चुका हूँ और सुपर हीरो तो यार यहीं पे खड़ा है। अरे सुपर हीरो देखो कितने आराम से खड़ा है, फटाफट से इधर आ यार। एक मिनट यार अभी मेरी साइड तो आ रहा है, मतलब कि तू यहाँ पे खड़ा है और घर पे हम तेरा वेट करते करते परेशान हो गए यार सुपर हीरो। अरे यार फिर वो क्या है ना, मेरे को जाने के लिए कोई भी सवारी नहीं मिली तो मैं इसलिए यहीं पे खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि जरूर तुम में से कोई ना कोई मेरे को लेने आएगा और आखिर तुम मेरे को लेने आ ही गए। अब तो मैं लेने आ ही गया हूँ लेकिन आइंदा के लिए कभी भी मैं तेरे को लेने नहीं आऊंगा। अरे यार रो फिर आगे से चाय मत लेके आना, लेकिन यार फटाफट से घर पे चल, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है यार। ठीक है तो सुपर हीरो जब तू बोल रहा है तो मैं सीधा घर पे ही चलता हूँ और गाइज आपको भी मैं घर पर ही जाके मिलता हूँ। तो गाइज अभी देखो मैं घर पर तो आ चुका हूँ। अरे सुपर हीरो फटाफट से उतर यार, सच में मेरे को भी बहुत जोर से भूख लगी हुई है। गाइज यार सच में मेरे को बहुत जोर से भूख लगी हुई है, सुपर हीरो के चक्कर में यार मैंने खाना भी नहीं खाया और मैं सुपर हीरो को लेने चला गया था। मैं तो सोच रहा था एक मिनट, अरे एक मिनट यार ये विलन को क्या हो गया? विलन, अरे विलन यार तुझे क्या हुआ है? टिप्सन, अरे टिप्सन, टिप्सन हीरो, टिप्सन। अरे विलन टिप्सन को क्या हो गया? एक मिनट यार सुपर हीरो तू इसको देख, इसका ख्याल कर और मैं अभी फटाफट से टिप्सन को देख के आता हूँ। आखिर यार ये किसने क्या है, टिप्सन कहाँ पर गया? एक मिनट यार टिप्सन तो शायद ऊपर था, बट एक मिनट यार मैं फटाफट से देख के आता हूँ, इधर तो कहीं भी टिप्सन नहीं है। आखिर यार ये किसने क्या है मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट मैं फटाफट से जाता हूँ, टिप्सन को देख के आता हूँ। टिप्सन यार विलन टिप्सन के बारे में क्या बोल रहा है मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट यार, अरे टिप्सन तो इधर, एक मिनट, अरे ये टिप्सन को क्या हो गया? टिप्सन, अरे टिप्सन यार तू ठीक तो है ना? एक मिनट यार टिप्सन तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, लगता है टिप्सन बेहोश हो चुका है। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा आखिर ये किसने किया है, लेकिन जिसने भी ये काम किया है ना मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गाइस सच में हमारा कोई ना कोई तो दुश्मन है जिसने की ये काम किया है, यार उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। टिप्सन, अरे टिप्सन यार फटाफट से उठ, तुझे क्या हो गया यार? नहीं छोड़ा नहीं छोड़ूंगा यार टिप्सन, ग्रैनी को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बट तू बिल्कुल मत घबराना। गाइस मेरे को सब कुछ समझ में आ चुका है कि आखिर ये किसने किया है, ये सब उस ग्रैनी ने ही किया है। टिप्सन को भी उसने घायल कर दिया है और विलन को भी ग्रैनी ने घायल कर दिया है। अब तो मैं ग्रैनी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, एक काम करता हूँ पहले सुपर हीरो को बोलता हूँ। अरे सुपर हीरो तू फटाफट से एक काम कर, टिप्सन और विलन को फटाफट से उठा और इनको हॉस्पिटल लेके चल, मुझे पता चल चुका है कि इनके साथ ये सब किसने किया है, ग्रैनी ने इनके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, इनके ऊपर ग्रैनी ने ही अटैक किया है। सुपर हीरो तू फटाफट से इनको हॉस्पिटल लेके चल और तब तक मैं ग्रैनी को मार के आता हूँ। अरे यार रो फिर, लेकिन आखिर ग्रैनी ऐसा क्यों करेगी यार हमारे साथ? ग्रैनी ने नहीं किया होगा यार रो फिर ये सब, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है रो फिर ग्रैनी हमारे साथ ऐसा करेगी। अरे नहीं नहीं सुपर हीरो ये सब ग्रैनी ने ही किया है, टिप्सन ने मेरे को सब कुछ बता दिया है, तो इनको लेके फटाफट से हॉस्पिटल पहुँच और ग्रैनी को मार के मैं भी हॉस्पिटल ही पहुँच रहा हूँ। गाइज यार मेरे को फटाफट से ग्रैनी के घर पे जाना पड़ेगा, ग्रैनी ने आखिर इनके साथ ऐसा क्यों किया है मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बट ग्रैनी ने ऐसा किया है तो मैं भी ग्रैनी के साथ ऐसा ही करूंगा। ग्रैनी को तो आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आज देखता हूँ इस ग्रैनी को मेरे से कौन बचाएगा। आखिर इसने रो फिरो के दोस्त के ऊपर हमला कैसे किया, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आज। आज देखता हूँ आखिर इस ग्रैनी को कौन बचाएगा। किधर है ग्रैनी? एक मिनट, ग्रैनी तो यार इधर की साइड ही खड़ी है, इसको आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक घुमा के इसके रैपट मारता हूँ पीछे से, तेरी ऐसी की तैसी ये ले। एक ही में नीचे गिर गई, बस इतना ही दम था। अरे ये तो दोबारा उठ गई, तुझे आज ग्रैनी में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आज देखता हूँ तुझे मेरे से कौन बचाएगा। अरे यार ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रही, मैं तो ये सोच रहा था कि ये ग्रैनी के अंदर कोई जानवान नहीं होगी क्योंकि काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है ना, बट ये तो मेरे ऊपर अटैक कर रही है। अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, पहले इसको बाहर लेके चलता हूँ। अब आ ग्रैनी, मैं तेरे को यहाँ पे बताऊंगा, अब देखता हूँ तुझे यहाँ पे कौन बचाएगा। अब बताता हूँ तेरी ऐसी की तैसी, अभी बताता हूँ ये ले, और बताता हूँ ये ले, निकल यहाँ से। एक मिनट, लगता है मर चुकी है। ओ माय गॉड ये तो फिर से उठ रही थी, लेकिन लेकिन ये ले। गाइस अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अभी भी फिर से उठ रही है, तेरी ऐसी की तैसी। ये ले, ये ले, अब बताता हूँ तुझे। ओ माय गॉड ये तो मेरे ऊपर फिर से अटैक कर रही है, क्या करूँ गाइस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक बैट मारता हूँ घुमा के, तेरी ऐसी की तैसी। ये ले, लगता है मर चुकी है। हाँ गाइस यार देखो अभी लिटरली मैं मर चुकी है, बट इस ग्रैनी को ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एक काम करता हूँ फटाफट से चाकू लेता हूँ, किधर गया किधर गया, हाँ ये रहा, अब मैं इसको इससे मारता हूँ।
तेरी ऐसी की तैसी, अगर थोड़ी बहुत जान बची भी होगी ना तो अब निकल जाएगी, तेरी ऐसी की तैसी, अब नहीं छोड़ूंगा मैं बिल्कुल भी। गाइस आप देख रहे हो काफ़ी सारा ब्लड निकल चुका है, लेकिन अभी काफ़ी सारा ब्लड और बाकी होगा इसके अंदर। अब तो ये पूरी तरीके से मर ही चुकी है, अब क्या करूँ गाइस, ये ले लास्ट मारता हूँ इसके, तेरी ऐसी की तैसी। अब तो ये मर ही चुकी है, और यार अब एक काम करता हूँ फटाफट से, यार मैं सुपर हीरो के पास कॉल लगाता हूँ, आखिर टिप्सन और विलन की तबीयत अब कैसी है। यार फटाफट से मैं कॉल लगा के देखता हूँ वो खतरे से बाहर हैं या फिर नहीं। एक मिनट, सुपर हीरो का नंबर किधर गया, एक मिनट फटाफट से डायल करता हूँ। अरे अरे एक मिनट, अरे सुपर हीरो, अरे हाँ यार रुक लो, घबराने की जरूरत नहीं है, अब विलन और टिप्सन दोनों ही खतरे से बाहर है यार, अब तो वो ठीक ठाक बोल रहे हैं, फटाफट से तू भी हॉस्पिटल में आ जा यार, इन हॉस्पिटल वालों का बिल भी तो पे करना है। अरे हाँ हाँ सुपर हीरो, तू बिल्कुल चिंता मत कर, बस मैं अभी हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। गाइस यार अभी मेरे को फटाफट से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और अभी विलन और टिप्सन दोनों की तबीयत अब तो ठीक है, वो दोनों खतरे से बाहर हैं। एंड गाइस यार अब तो वो खतरे से बाहर हो ही चुके हैं। तो गाइस यार आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।